प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात की। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। पीएम ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे के पर हुए फैसलों को लागू करने के प्रतिबद्ध हैं। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि मोदी ने जेलेंस्की से कहा है कि वे कई देशों के नेताओं से रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात करते रहते हैं। सबका मानना है कि जल्द सीज फायर का रास्ता खोजने चाहिए। जेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए किए जा रहे प्रधानमंत्री के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने मोदी के यूक्रेन यात्रा की भी सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। संबोधन में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। मीटिंग विद President Zelensky was a meeting that the Ukrainian side requested and accordingly took place. Insofar as your question related to oil is concerned, that did not figure in the discussions today. As I said, this is a third meeting in between the leaders in the last 3 months or so. A lot of the issues have been discussed, but at this particular meeting, this particular subject was not discussed.